महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहां अगले 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। इस बीच चाचा शरद पवार से बगावत कर एनसीपी पर कब्जा जमाने वाले अजीत पवार के एक बयान से खलबली मच गई है। बीते लोकसभा चुनाव में जनता के द्वारा नकार दिए जाने के बाद अजीत पवार इन दिनों जन सम्मान यात्रा पर हैं। इसी दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बयान दिया। एक न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनसे बीते चुनाव में कई गलतियां हुई हैं। बीते लोकसभा चुनाव में अजीत गुट के एनसीपी को केवल एक सीट पर जीत मिली। इस चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 14 पर कांग्रेस, 9 पर शिवसेना उद्धव गुट और 8 पर एनसीपी अजीत गुट को जीत मिली। वहीं दूसरी ओर एनडीए के सबसे बड़े घटक दल भाजपा को 9 और शिवसेना शिंदे गुट को 7 सीटों पर जीत मिली। लोकसभा चुनाव के बाद अजीत पवार अपनी पार्टी को लगातार मजबूत करने के लिए यात्राएं कर रहे हैं। हालांकि उनके चाचा शरद पवार लगातार उनको कमजोर करने में लगे हैं। वो उनके कई करीबी नेताओं को अपने पाले में लाने में कामयाब हो चुके हैं। अजीत पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बारामती सीट पर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारने का फैसला गलत था। वहां से शरद पवार की बेटी और अजीत पवार की चचेरी बहन सुप्रिया सूले लंबे समय से सांसद हैं। ये सीट भाभी ननंद के बीच जंग बन गई है। बेटी सुप्रिया सूले के लिए शानदार पवार खुद के लोगों के बीच पहुंचे और वो अच्छी मार्जिन से विजय भी हुई। अजीत पवार ने आगे कहा कि वो अपने सभी बहनों से प्यार करते हैं, किसी को भी राजनीति को घर में नहीं डाले की इजाजत है। मैंने बहन के खिलाफ पत्नी को उतार कर गलती की है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि पार्टी संसदीय बोर्ड ने यह फैसला लिया था, लेकिन अब मैं मानता हूं कि ये गलत था। दरअसल बारामती लोकसभा चुनाव वैसे तो सुनेत्रा और सुप्रिया के बीच था, लेकिन ये परोक्ष तौर पर चाचा भतीजे के बीच शक्ति प्रदर्शन स्थल बन गया था। बारामती वो सीट है जहां से शरद पवार एमपी और एमएलए का चुनाव 14 बार जीत चुके हैं। वह यहां से 1967 से जीतते आए हैं। भाजपा और शिवसेना की ओर से शरद पवार पर लगातार किए जा रहे हमले को लेकर पूछे जाने पर अजीत पवार ने कहा कि एनडीए गठबंधन के नेताओं को ये समझना जरूरी है कि वो क्या कह रहे हैं। जब हम साथ बैठते हैं तब मैं अपनी बात रखता हूं। बीते कई महीने से अक्सर ये चर्चाएं उठती रही हैं कि आने वाले कुछ विधानसभा के चुनाव में चाचा भतीजे एक साथ आ सकते हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आने वाले समय में क्या अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी दोनों एक साथ आएंगे? अगर आएंगे तो इसका असर चुनाव परिणामों पर कैसा पड़ेगा?